अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल गुड। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बछड़े खुले हुए आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि आज क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए थे, थोड़ा अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम हो रहा है, और वेट मशीन भी मैं लेकर आया दोबारा से। तो वो वेट मशीन मेरे ख्याल से उसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कॉल पर भी बात करी है उनसे, तो वो कह रहे हैं कि मैं आपको तसल्ली से कॉल करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। फिर जब उनकी कॉल आएगी तो हम लोग उसको फंक्शन कर लेंगे। खैर, तो बछड़े खुले में आज क्योंकि अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है, तो बछड़े बाहर ही बंदे हैं। तो आइए चले देखते हैं, प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं सारे बछड़ों को और बछड़ियों को। तो आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कैसे लग रहे हैं, कौन सा आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं अभी कुछ देर पहले आया था तो सारे ही बैठे हुए थे बछड़े। किकू, क्या करकरा लगा रहा है? कहाँ है भाई, कहाँ तेरा? अच्छा, तो बताता चलूँ, अब लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि तीसरा बंदा भी होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, 2 बंदों के हैंडल में नहीं होता। हम लोग तो नसर भाई को कब से ही कह रहे थे कि भाई अपना तीसरा बंदा भी अपने अंडर में लेकर आ जाओ, वो ही मना करते रहते थे। खैर, तो अब मैंने बोला कि यार अब लेकर आ जाओ। नसर भाई ने बोला चलो, मैं कीकू का भाई है उसको मैं बुलवा लेता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो कीकू का भाई जो है वो आ चुका है। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट थे कि तीसरा बंदा होना चाहिए, तो भाई तीसरा बंदा रख लिया, तीसरा बंदा आ गया। ज़ाहिर है वो एक बंदे की तबीयत ख़राब होती तो फिर एक बंदे की हैंडल नहीं होता सारा काम, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा हो गया और बछड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। बकरे भी देखने होते हैं और बछड़ों को भी देखना होता है। तो बकरों की आपको मैंने अपडेट बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बकरे साइड हैं। तो अभी बछड़े खुले हैं तो उनको देख लेते हैं। नवाब को आपने देख लिया, वो कमेंट करते रहते हैं इरफान भाई कि यार इसको खोल के दिखाओ। माशाल्लाह से इसका ये जो ये है ना ज़ख्म वगैरह, तो इसको इतना नहीं हुआ था क्योंकि इसकी छोटी ही सींगें थी। अब दब गई हैं इंशाल्लाह ताला, अब ये प्रॉपर सेट हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी ये नवाब के साथ ही बंदे में बिगड़े हुए नवाब आप देख सकते हैं माशाल्लाह। बाकी जो बछड़े बैठे हुए हैं भाई, जैसे लाल बादशाह हमारे सामने बैठे हुए हैं तो इसको बैठा ही नहीं देंगे। ठीक है, बाकी भोले को देख लेते हैं, अभी बैठा हुआ है तो अपना वो दिखा रहा है कि मुझे बैठे ही रहने दो, ज़्यादा तंग नहीं करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, भोले की आप देख सकते हैं। अभी मुझे कमेंट भी आया भाई कि कमेंट क्या आया, वो मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि भोला स्टिल अवेलेबल है कि नहीं। मैंने कहा अभी तक तो अवेलेबल नहीं है, और उन्होंने उनका नंबर भी खैर दिया हुआ ही है। तो सर भाई थोड़ा स्प्रे लगा दो उस पर। बाकी स्टिल अवेलेबल नहीं है भाई, अगर है तो उनका नंबर दिया हुआ था तो उनसे मालूम कर लें वो क्या बोलते हैं साथ भाई। बाकी राजू देख सकते हैं आप, फुल प्रॉपर माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बस से बचाए, फुल गुलाइयों में चल रहे हैं माशाल्लाह। बाकी ब्लैक पैंथर माशाल्लाह माशाल्लाह, सब तरफ से दिखाऊंगा इंशाल्लाह क्योंकि खुले में सारे बछड़े। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ठाकुर ठाकुर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा, पीछे अस्वत खड़े हैं मेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह, खरकरा भी चल रहा है, मान और कीकू लगे हुए हैं साफ करने पे पटेल को। हाँ उतर रहे हैं, वैक्सीन का असर होना शुरू हो गया है माशाल्लाह से। बड़ा बाल देना, ये देख सकते हैं आप और कोहान की तरफ से तो उतर गया। किस तरीके से बाल उतर रहे हैं, ये उड़ रहे हैं बाल। ये देखें, दिखाओ कीकू बड़ा बाल गर्दन की तरफ से दिखाओ। ये देखो माशाल्लाह, तो अब बिल्कुल ही यानी कि छोटा बाल हो गया इसका, तो बिल्कुल साफ हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। यही मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, वैक्सीन का असर जो है ना वो महीने डेढ़ महीने बाद आना शुरू हो जाता है।
देखो इसी तरह करनी है सफाई सबकी। चने पटेल भी देख ही लेते हैं माशाल्लाह, आप लोग बताएं कैसी ग्रोथ चल रही है माशाल्लाह से, देख सकते हैं। बाकी अस्वत भी माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं, हाइट कर रहे हैं माशाल्लाह, ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी राजा का बताइए माशाल्लाह, गर्दन चेक कर सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामी स्टिल अभी तक है खड़ी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पीछे से भी दिखा देते हैं इसको, ये प्यार करवाने के लिए आ रहा है, ये प्यार करो मुझे। ये देखो माशाल्लाह। बाकी इन भाई साहब को इधर ही बंदे रहने देते हैं हम लोग, इधर ही पानी आता है इनके लिए क्योंकि ये फार्म के लाड साहब हैं, ये देख सकते हैं आप। बाकी पॉपकॉर्न को आप देख सकते हैं थोड़ा गंदा हो रहा है अभी, इसको भी मैं बोलता हूँ इसको थोड़ा साफ़ कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या पोज दिया है बेहतरीन माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप बढ़ना शुरू हो गया माशाल्लाह से, चौड़ी हड्डी कर रहा है बेहतरीन। इधर से भी देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हो गया चढ़ गई हैं, चुल्ली बुली बुलबुली सेट हो गई ना सारे। हाँ हाँ गायब वाली ना, लो भाई अस्वत के भी बाल उतर रहे हैं, गर्मियों का और तेल का असर जो है ना ऊपर से नीचे लाने का, ये देख सकते हो भाई। और कोई ज्यादा इसको वो भी नहीं होगा, दर्द वर्द नहीं होगा, कोई लगे कि यार इनको तकलीफ हो रही होगी तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा मजा ही आता है, जानवर सुख से सुख खड़ा हो जाता है। देखो फ्रेंड से मिलो माशाल्लाह सब अच्छा। तो वो वीडियो स्टॉप हो गई थी क्योंकि मेमोरी जो है वो रिसाइकल बिन में कुछ चीज़ें थी वो डिलीट करनी थी, वो डिलीट नहीं हुई, तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ही क्लियर हो गया इसका माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। एक इको भाई लगे हुए हैं ये देख सकते हैं, ये देखो हाँ गंदगी बड़े बाल पे ज़्यादा लगती है, ये देख सकते हैं तरीका भाई, ब्लेड को थोड़ा टेढ़ा करके हम लोगों ने इसको ऐसे बाल जो है ना बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं माशाल्लाह, मलाई हो रहा है ये कीकू, ये देखो गंदगी भी उतर रही है इसकी और बाल भी देखें कितने उतर चुके हैं इसके। तो इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं भाई, घर का मार के ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसका तो खैर बाल छोटा ही है। कुछ जानवर होते हैं जो वैक्सीन के बाद जो है ना वो खुद ही उतारना शुरू कर देते हैं, और कुछ के यानी कि वो साफ़ करने पड़ते हैं जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, जिसके बड़े बाल हैं उसके, जैसे अस्वत के बड़े थे उसके बड़े थे पटेल के, और ये जो है हमारे भाई ये बछड़े तो शुरू ही हो जाते हैं, किसी को सामने आने ही देते, इसकी भी गर्दन माशाल्लाह सेट हो गई। नसर भाई जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके बछड़े अंदर बांध रहे हैं, टाइम हो गया इनके वनडे का, तो पानी पिलाकर देख सकते हैं आप पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी, ये रोज़ाना बढ़ती है बल्कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है माशाल्लाह से पानी। तो ये बछड़े पानी पीते हैं और फिर डायरेक्ट अंदर जाके, जैसे बछड़ियाँ बन चुकी हैं कुछ सिंड्रेला को देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दिल नशीन हमारे फार्म की सबसे छोटी इस साल की बछड़ी माशाल्लाह। बाकी रानी रानी को देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, देख रहे हैं इसके बाल थोड़े सेट हैं
ये देख सकते हैं, और जिनके बड़े बड़े बाल नज़र आते हैं उनके इस तरह की जो तरीका देख रहे थे आप लोग उस तरीके से उतार सकते हैं। बाकी कीकू का भाई आ गया, ये देख सकते हैं आते ही काम शुरू कर दिया इसने माशाल्लाह से। वाला था माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लेंथ में जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी पेंगुइन बैठी हैं माशाल्लाह 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 खड़ी हो गई हैं प्यार करवाने के लिए कि हमें भी प्यार करो। नहीं अच्छा अखरे मारने के लिए उठी हैं, अच्छा नहीं करना प्यार, अच्छा नहीं कर रहा नहीं कर रहा। और ये पहचाने कौन है, ब्राउनी माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप इसकी गर्दन, इसका ये वाला जो हिस्सा है ना माशाल्लाह से वुहान वाला बेहतरीन हो रहा है, ओवरऑल तो हो ही रही है बेहतरीन, ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी इसके हवाले से क्लियर हो चुकी है माशाल्लाह से, ये जो भी इसके हल्के फुल्के एलर्जी थी दाने थे वो क्लियर हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप थोड़े थोड़े फट भी गए हैं थोड़ा सा। बाकी बच्चा भी एक्टिव है फुल माशाल्लाह से। बाकी ये बैठी है नई वाली बछड़ी जो इसका भी नाम डिसाइड नहीं हुआ है, मैंने इसका नाम चंचल रखा था क्योंकि वीडियो में ही अपनी चंचल गिरी दिखा रही थी, बैठी हुई इसको बैठे रहने देते। बाकी ये मलाई माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई ज़रूर माशाल्लाह ये कमेंट ज़रूर आने चाहिए, खुले हुए बछड़े बछड़ियाँ सारी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी मारना शुरू कर दिया भाई, नहीं डर रही है थोड़ा, बटरफ्लाई आपकी आंखों के सामने माशाल्लाह फुल मस्तियों में हो रही हैं। बाकी इधर देख लेते हैं, इधर ये मुफासा बंदे में, मुफासा ने भी अच्छी हाइट कर ली है माशाल्लाह बेहतरीन, अच्छी हाइट पे जा रहा है माशाल्लाह से। क्या हुआ क्या हुआ, माशाल्लाह लाल परी देख सकते हैं हम, लाल परी में अच्छी प्रोग्रेस जा ली है माशाल्लाह से बेहतरीन। बाकी नसर भाई ने बछड़ियाँ मान दी हैं, ये बरा का बन गई है जो कि नसर भाई कहते हैं, सो घोड़ा है ये घोड़ा घोड़ा है माशाल्लाह, हाइट अच्छी जा रही है इसकी अभी भी माशाल्लाह। बाकी ये अंदर बन चुके अपनी अपनी जगहों पर छोटे बछड़े बछड़ियाँ, मियाँ जी और शाह जी दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी हो गई। इसको मैं दिखा चुका हूँ, फॉक्सी को देख लेते हैं हम, फॉक्सी आ गए अंदर माशाल्लाह फुल, इसके भी बाल जो ख़राब हो रहे थे अब आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो गए। बाकी कोहिनूर के बाल थोड़े से भी कुछ मुछ हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बुलबुली चुलबुली मस्तियाँ करती हुई अंदर आ रही थी दोनों। इसके भी जो दाने वगैरह हुए थे रेडनेस आप देख रहे हैं नीचे, सेट हो गया मामला इसका माशाल्लाह से, एलर्जी हुई थी वो थोड़े से दाने जो फटने और जो वो दिख जाते हैं ना माशाल्लाह। भाई मैंने तो इसका नाम सिनेमन रखा है, अब मुझे सिनेमन ही याद रह रहा, और इसका मिर्ची तो सिनेमन और मिर्ची को भी देख सकते हैं आप माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह। मुजम्मिल भाई अब जो बोलते रहे, मैंने इनका नाम रख दिया। और ये दोनों गायें ये देखें, ये तो मारा मारी
तो बछड़ों बड़ी बछड़ियों का टाइम है बंधने का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बाकी खरखरा चल रहा है उधर। और बछड़ों में मैंने इसको नहीं दिखाया, सिम्बा को। माशाल्लाह माशाल्लाह, सिम्बा को देख सकते हैं। सिम्बा ने बड़ी अच्छी हाइट निकाल ली है अभी तक, बहुत अच्छी हाइट निकाल ली है माशाल्लाह से। इसको भी एलर्जी हुई थी मगर अब के लिए सारा। बाकी सुल्तान और ये बैठ गए, ये तो बैठा हुआ ही था। सुल्तान बैठ गए, इनको बैठे ही रहने थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और सारे खुले हुए बछड़े बछड़ियाँ आपको प्रॉपर। अब आपने बताना है कमेंट करके कि कौन सा आप लोगों को बछड़ा ज़्यादा प्रोग्रेस में दिख रहा है, और बछड़ियों में ही बताइएगा कि बछड़ियों में कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस में नज़र आ रही है आपको फार्म पे। ठीक है दोस्तों, यहीं एंड करते हैं हम लोग वीडियो का। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो और बछड़े और प्रोग्रेस इनकी अच्छी लगी होगी। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। अगर आपको फार्म की प्रोग्रेस देखनी है, कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, वो आपने अगर देखनी है, फार्म से जुड़े रहना है, प्रोग्रेस देखते रहना है, तो आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और तो बस यही शिकवा है मेरा कि आप वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्रोग्रेस कैसी जा रही है और कौन सा बछड़ा आप लोगों को और बछड़ी पसंद आ रही है, प्रोग्रेस में अच्छी चल रही है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।